Hello everyone, welcome to online class. Today we are going to start topic countable and uncountable noun. बेटा countable और uncountable noun होती क्या है? First देखिए countable noun. Countable nouns. Countable noun क्या होती है? Countable nouns are the noun. Countable nouns are the nouns that can be counted. With a countable noun, we noun होते हैं जिनको हम count कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं. For example, chairs, pens, books, boys, etc. तो ये जो नाउन है ये सभी क्या है? काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं, इनको गिन सकते हैं कि चेयर है कितनी चेयर है, पेंस है कितने पेन है, इनकी नंबर जो है वो हम काउंट कर सकते हैं. जो काउंटेबल नाउन जो होती है वे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होती है, तो ये आपको लर्न रखना है. दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. काउंटेबल नाउन दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी. जैसे चेयर है तो वो वन चेयर भी हो सकती है, और चेयर का प्लूरल क्या हो गया? चेयर्स. दोनों क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म में हो गई और ये क्या है? प्लूरल फॉर्म में. और दोनों है क्या? ये काउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होती है. नेक्स्ट है बेटा अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स आर द अनकाउंटेबल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन नॉट That cannot be counted. Uncountable noun वे noun होते हैं बेटा जिनको हम count नहीं कर सकते, जिनको हम नहीं गिन सकते. For examples, water. Can we count water? No. Milk. Can we count milk? No. Sugar. Rain. Etc. बेटा ये वो नाउन है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. इसमें जो पॉइंट आपको लर्न करना है वो है कि दे कैन ओनली हैव ए सिंगुलर फॉर्म, ए सिंगुलर फॉर्म. इतना जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा किसमें रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, इसके प्लूरल फॉर्म नहीं बनते. क्या हम वाटर का वाटर्स कर सकते हैं? होता है वाटर का वाटर्स प्लूरल? नहीं होता. क्या है ये? गलत है. ये हमेशा किसमें होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है. क्या हम मिल्क को मिल्क प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं? नहीं. ये भी क्या है?
रोंग है, यानी अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमेशा किस में रहेगी, सिंगुलर फॉर्म में रहेगी और हम उनको काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन में दोनों फॉर्म होगी सिंगुलर और प्लूरल, जैसे चेयर और चेयर्स, पेन पेन्स, बुक बुक्स, यानी हम दोनों फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं। बेटा आज का आपका होमवर्क है, आपको लेसन 3 में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन फेयर नोटबुक में राइट करनी है और इसको लर्न करना है। थैंक्स।